हाय मेरे इंजीनियर दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। गाइस, बहुत दिनों के बाद मुझे खुद एक्चुअली अपने लिए टाइम मिला है कि मैं कुछ नई जगह जाऊं, घूमूं और जाकर देखूं क्या होता है। एक्चुअली क्या है, काम के कारण मुझे खुद भी टाइम नहीं मिलता था और मुझे उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा था। तो आज फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं घूमने निकला हूँ और ये नॉर्मली एक छोटा सा लेक है, यानी एक्चुअली जब मैंने इसे गूगल पर सर्च मारा था, वडोदरा के पास है ये, तो ऐसा दिखाता है ये सी है, मगर एक्चुअली ये सी नहीं है, नॉर्मली ये लेक है। तो इसे कोनॉट लेक बोलते हैं। अभी क्या है, जैसे टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा रश भी है और फैमिली यहाँ पे नॉर्मली किस लिए, जैसा बोटिंग होता है ना, आप जैसे मेरे पीछे देख पाओगे, लोग यहाँ बेसिकली बोटिंग पर्पज़ से आते हैं। अभी क्या है, शाम का टाइम है और व्यू बहुत अच्छा है, तो मैं, मेरा फ्रेंड है, उसकी फैमिली भी है, तो हम लोग क्या है यहाँ से जा रहे थे, तो हम लोग ने कहा एक बार एक छोटा सा व्यू लेके देखूं और आपको भी बताऊं कि आप लोग भी यहाँ इसे विज़िट कर सकते हैं। बेसिकली बहुत बढ़िया प्लेस है। अभी क्या है, मेरे बहुत सारे जो व्यूअर हैं मुझे ये बोलते हैं कि सर आपके अचानक वीडियोज़ आना कम क्यों गए। एक्चुअली वीडियोज़ मैंने इसलिए कम कर दिए, थोड़े क्या है, मैं अभी काम पर ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो बेसिकली सैटरडे और संडे मुझे टाइम मिलता है, तो उस पर ही मैं सोचता हूँ थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ और कुछ नया आप सबको बताऊँ और सिखाऊँ। अभी जैसे यहाँ जो बैक का जो व्यू है ना, सन अभी ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, तो मैं आपको भी वो चीज़ दिखाता हूँ जैसे बोटिंग कैसे हो रही है। ज़्यादा फ्लोट कर रहा है तो मैं माइट भी गिर जाऊंगा, तो इसलिए मैं वापस साइड पर आ जाता हूँ। बोलिए, हमारा आशीष भाई कुछ पूछ रहा है, बोलो क्या पूछ रहा है आशीष भाई। मैं बोट का चार्ज पूछना भाई। तो पूछ लेते ना, क्या दिक्कत है, आ जाओ इसमें। सनसेट क्या है, सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है और अभी आप देखेंगे जैसे स्टार्टिंग वहाँ पर बोटिंग हो ही रही है, तो मोस्टली लोग प्रेफर्ड यही करते हैं बोटिंग के लिए। आप यहाँ पर क्या है, विथ फैमिली भी बोट कर सकते हो और जैसे लोगों को इंडिविजुअल बोटिंग का शौक होता है तो इंडिविजुअल बोटिंग के लिए भी वो लोग ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ क्या है, टेंट ये सब भी है। गाइज़ ये है तनिश, ये क्या कहते हैं, मेरा दोस्त है ना, तो उनका ही ये रिलेटिव्स पे है, तो ये छोटा सा है। तनिश अपना नाम बताओ, हाय करो सबको, हाय तो कर दो। और ये हमारे आशीष का बच्चा है, क्या नाम है बताओ तनिश अपना। अजीत शर्मा है। तो पानी में नहाओगे? पापा क्या बोल दिए थे?
और अतिक्ष की मम्मा क्या बोलती है? कौन तो पापा मारते हैं ज्यादा, मम्मी मारते, कौन मारता है ज्यादा? और प्यार कौन करता है? पापा प्यार करते हैं, दादा की मम्मा, दोनों है, दोनों सोच ले शाम को खाना कौन बना के देगा, नहीं तो बेटा पापा का तो कुछ नहीं है। आशीष भाई साथ में है, तो आशीष भाई ये बताओ आपको ऑफिस की लाइफ से थोड़ा आराम मिलके कैसा लग रहा है, क्योंकि ऑफिस में तो कुत्ते वाली लाइफ होती है, तो आज कैसा लग रहा है? मुझे कंफर्टेबल लग रहा है पूरा आज तो। नहीं, अगर जैसा आज फील कर रहे हो, अगर हम डेली ऐसा फील करें, डेली घूमने को मिले, डेली बाहर जाए, तो कैसा लगेगा आपको? तो बहुत अच्छा लगेगा, पर ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल होता तो बात ही अलग है। नहीं क्यों, तो क्या कंपनी भगा देगी आपको? काम नहीं करेंगे तो कंपनी तो भगा ही देगी। तो बोल रहे ना कंपनी से, बोलना कि एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा सेटलमेंट कर लो, कि भाई वैसे ही सिविल इंजीनियर हो कोई, यानी क्या कहते हैं, खास मजा तो होता नहीं अपनी ज़िंदगी में, इसका तो कोई सलूशन नहीं है भाई, तो फिर कुछ कर नहीं सकते हम जो है तो करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा है ना कि कहते हो, बोलो बॉस लोगों को, कंपनी को बोलो कि सर हम लोगों को 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दिया करो करके। बॉस लोग तो बोलते हैं आपको हम 5.5 दिन का वर्किंग डे तो देते ही हैं, बाकी 1.5 दिन का छुट्टी रहता है, उसमें आप करो एडजस्ट करो, और साल में एक बार छुट्टी जाओ। नहीं तो छुट्टी देते हैं कि नहीं देते आपको? छुट्टी तो इस बार नहीं दिए दोस्त, तो मैंने फैमिली का बोला कि फैमिली आएगी तो मेरे को छुट्टी मिला, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था। नहीं नहीं, हम आपके बॉस को बताएंगे कि भाई फैमिली वाला बंदा है, इसको छुट्टी कंपलसरी दें। तो अच्छा लग रहा है ना आपको? बिल्कुल कम्फर्टेबल लग रहा है, माइंड फ्रेश हो रहा है पूरा, जो एक स्ट्रेस वाला जो जॉब रहता है उससे बहुत कम्फर्टेबल है। नहीं नहीं, हम कोशिश करेंगे आपके साथ ऐसा हसीन लम्हे हमेशा बिताएं। थैंक यू यार। आने वाले कुछ पलों में, अगले महीने कुछ हम भी घूमने को आएंगे भाई, क्योंकि कंफर्टेबल रहेगा, टाइम मिलता है। अच्छा, रियल